क्या कर्म ही धर्म होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कर्म तो कुछ भी करो सब कर्म है, तो कुछ भी करो सब धर्म नहीं। फिर सुनेंगे, कुछ भी करो चाहे पाप भी करो वो भी कर्म है, कुछ भी करो सब कर्म है, लेकिन कुछ भी करो सब धर्म नहीं हो सकता। यही है कर्म और धर्म में अंतर। शास्त्र विहित करोगे तो कर्म है धर्म है, और शास्त्र विहित जो नहीं है, शास्त्र की मर्यादा को तोड़कर कुछ भी कर्म करोगे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो कुकर्म है, वो पाप है। तो धर्म कर्म ही पूजा है, कई जगह लिखा हुआ था, और जिस स्कूल में हम पढ़े वहां भी दीवार पे हमने लिखा देखा कर्म ही पूजा है। तो कौन सा कर्म पूजा है? कर्तव्य कर्म पूजा है, शास्त्र विहित कर्म पूजा है। जो ग्रंथ कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो धर्म मर्यादा करता है, उस मर्यादा में रहकर जब कोई हम कर्म करते हैं वो धर्म कहलाता है, और मर्यादा को तोड़कर धर्म को तोड़ करके धर्म के नियम को तोड़ करके जो हम कर्म करते हैं वो धर्म नहीं बल्कि वो अधर्म कहलाता है। कर्म धर्म भी होता है और कर्म अधर्म भी होता है। जो कर्म धर्म पूर्व किया जाए वही कर्म पूजा है, सब कर्म पूजा नहीं होती। और ये जो हम कर्म करते हैं ना, गृहस्थ बन गए, बच्चे पैदा किए, कमा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, ये धर्म नहीं है और ना ये अधर्म है, ना ये पाप है, ना ये पुण्य है, इसका कोई फल नहीं मिलता। गृहस्थ बन जाओ, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा। गृहस्थ भोगने से ना नरक मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा, ये फल ही नहीं है। ये ना ये पुण्य है ना पाप है, कमा के खा लिया, ना ये पुण्य है ना ये पाप है। अपने बच्चों का भरण पोषण कर दिया, ना ये पुण्य है ना ये पाप है। दूसरों का भरण पोषण करो तब वो पुण्य है, तब वो कर्म पूजा है। हाँ, यदि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करेंगे पाप है, नहीं करेंगे तो पाप है और करेंगे तो धर्म नहीं है। यदि बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है तब तो सारे जानवर धर्मात्मा हो गए, क्योंकि सारे जानवर बच्चे भी पैदा करते हैं और उनको पाल पोष कर बड़ा भी करते हैं, तो वो तो धर्म नहीं हुआ। हाँ, गैरों को पालन पोषण करो, औरों का पालन पोषण करो, तब धर्म कहलाएगा। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसके फल स्वरूप आप ना स्वर्ग जाएंगे ना नरक जाएंगे, ना ये अच्छा कर्म ना ये बुरा है, ना ये पाप है ना पुण्य है। आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने से ना पाप लगता है ना कोई पुण्य लगता है। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने से ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। ये तो जीने के लिए है, यही है बस, आगे कुछ नहीं। इनको कहते हैं लौकिक कर्म। लौकिक कर्म वो है जो केवल यहीं पर सुख दुख देते हैं, आगे नहीं जाएंगे कर्म। जो कर्म हमारे साथ नहीं जाएगा वो ना वो पुण्य होता है ना वो पाप होता है। गृहस्थ धर्म का पालन किया, शादी कराई, बच्चे पैदा किए, कमाया, मकान बनाया, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, शादी कर दी, ये सब कर्म लौकिक कर्म हो, लोक में काम आने वाले हैं, परलोक में कोई कर्म संग नहीं जाएगा, ना स्वर्ग मिलेगा इसके परिणाम स्वरूप ना नरक मिलेगा, ये तो यहीं मिलेगा जो मिलेगा, बस जो सुख मिलेगा यहीं मिलेगा आगे नहीं। संतान का सुख यहीं मिलेगा आगे नहीं। आपने कमाया खाया परिवार को खिलाया, ये सुख आपको यहीं मिलेगा आगे नहीं मिलेगा। हाँ, आपने दिन दुखी की सेवा की, गौ ब्राह्मण की सेवा की, साधु संतों की सेवा की, मंदिर में लगाया, ऐसा जो आपने कर्म किया वो कर्म आपके साथ जाएगा। ये आपके प्रश्नों का उत्तर हुआ। तो आपने पूछा था कि क्या कर्म ही धर्म है, तो उत्तर दिया हर कर्म धर्म नहीं होता, शास्त्रविहित कर्म ही पूजा है, बाकी सब